लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया बहुत गरीब थी, इसलिए वह रानी कोवी के घर झाड़ू पोछा लगाया करती थी। वह रोजाना सुबह रानी कोवी के घर जाती और उसके पौधों को पानी देती, फूलों की देखरेख करती और घर में काम करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब लाडो चिड़िया बीमार पड़ने लगी। बीमारी के कारण लाडो चिड़िया सोचने लगी कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा, इसे कौन पालेगा, क्यों ना मैं अपने मालकिन से इस बारे में बात करूं कि वह मेरी बेटी को गोद ले ले। और लाडो चिड़िया अपने मालकिन के पास जाती है और रानी कोवी से कहती है, मालकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है और मुझे डर है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। मेरी एक ही बेटी है, उसे कौन पालेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा। यह सुनकर रानी कोवी बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी को पालूंगी। मेरा बेटा जग्गू तो मुझसे संभलता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। पास बैठा कालू कोवा सारी बातें सुन रहा था और जब लाडो वहां से चली जाती है तो कालू अपनी बीवी रानी कोवी से कहता है, रानी तुम पागल हो, अगर हम इसकी बेटी को गोद ले लेंगे तो हमें अब काम की एक भी रुपए नहीं देने होंगे और हम बोल देंगे कि हम तुम्हारी बेटी को अच्छे से पालेंगे। जब वह मर जाएगी तो वह देखने थोड़ी ना आएगी। यह सुनकर रानी कोवी को भी यह बात बहुत अच्छी लगती है और वह कहती है, हाँ कालू तुम ठीक कहते हो। और रानी कोवी लाडो चिड़िया के घर जाती है तो देखती है कि लाडो बहुत बीमार है। वह लाडो से कहती है, लाडो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा रही हूँ। लाडो भी कहती है, हाँ मालकिन आप मेरी बेटी को ले जाइए, वरना अगर मैं इसके आंखों के सामने मर गई तो यह मुझे कभी नहीं भुला पाएगी। पास बैठी कुकू चिड़िया रो रही थी और वह रानी कोवी के साथ वहां से चली जाती है। और अब रानी कोवी सोचती है कि अब इससे कुछ बड़ा काम कराया जाए और वह उसे रोजाना जंगल से लकड़ी मंगाती थी और उससे खाना बनाती थी। कभी कभी तो रानी कोवी उससे अंडे भी बेचने के लिए बाजार भेज देती थी। एक दिन लाडो बैठकर रोने लगी, तभी वहां पर रानी कोवी का बेटा जग्गू आता है और कहता है, लाडो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है और मेरी माँ तुम पर हमेशा अन्याय करेगी। मैं सोचता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, क्यों ना हम तुम शादी कर ले, जिससे कि मैं माँ को तुम्हारा इतना अधिक काम करवाना रोक सकूँगा। यह सुनकर कुकू कहती है, जग्गू लेकिन तुम्हारी माँ क्या हमारी शादी को मानेंगे। यह सुनकर जग्गू कहता है कि तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो और दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करके घर आते हैं और रानी कोवी जग्गू को देखकर कहती है, यह तुमने क्या कर लिया, तुमने एक नौकरानी से शादी कर ली। यह सुनकर जग्गू बोला, अब यह नौकरानी नहीं है माँ, अब यह मेरी पत्नी है और आपको भी अब इस चीज को मानना पड़ेगा कि कुकु अब आपकी बहू है। यह सुनकर रानी कोवी कहती है, अब तो तुमने शादी कर ही ली है तो ठीक है, अब मैं कुकु को अपनी बहू मान लूंगी। और अब कुकु रानी कोवी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ
एक घोंसले में रहती थी। नदी पास होने के कारण लाडो चिड़िया को पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था, जिससे कि उसे पानी पीने में बहुत ही आराम होता था। लाडो चिड़िया के बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे और वह उड़ भी नहीं सकते थे। एक दिन लाडो चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों तुम दोनों यही रहना और मैं खाने के लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। चिड़िया फल की तलाश में उड़ने लगती है, तभी उसे रास्ते में सेब के फल का बगीचा नजर आता है। वहां से वह दो सेब तोड़ लेती है और उड़ने लगती है। तभी अचानक से तेज आंधी तूफान आ जाता है। लाडो चिड़िया काफी डर जाती है और वह सोचने लगती है कि मेरे बच्चे तो अकेले ही हैं घोंसले में और उन्होंने अभी उड़ना भी नहीं सीखा है, कहीं वह इस हवा में उड़ ना जाए। लाडो अपनी चिंता किए बिना आंधी तूफान भरे मौसम में तेजी से अपने घर की ओर उड़ने लगती है और अपने घर पहुंच जाती है। अपने बच्चों से कहती है, घोंसले में छुप जाओ, तुम लोगों को अभी उड़ना नहीं आता है, आंधी बहुत तेज है और तुम लोगों को उड़ा ले जाएगी। बच्चे घोंसले में छुप जाते हैं। तभी तेज हवा का झोंका लाडो चिड़िया के घोंसले को पास के नदी में गिरा देता है और लाडो चिड़िया उड़ने लगती है। अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में नदी के पास जाती है, लेकिन हवा का वेग इतना तेज था कि घोंसला नदी में बह जाता है। अगली सुबह लाडो नदी किनारे बैठकर रो रही थी, क्योंकि वह अपने बच्चों को नहीं बचा पाई थी। तभी उस नदी में घोंसला एक किनारे पर रुका था। तब उस घोंसले पर मिट्ठू तोते की नजर जाती है। मिट्ठू तोता जब घोंसला देखता है तो वह सोचता है कि लगता है कल की आंधी में किसी चिड़िया का घोंसला टूट कर बह गया है। उस घोंसले में दो बच्चे रहते हैं और मिट्ठू बच्चों को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, भगवान ने हमें उपहार में बच्चे दिए हैं और हम इनका अब बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी बच्चों को अच्छे अच्छे खाने खिलाती है और उन्हें उड़ना भी सिखाती है। धीरे धीरे बच्चे उड़ना भी सीख लेते हैं और एक दिन वह उड़ते उड़ते अचानक से अपने माँ के घर की तरफ पहुँच जाते हैं और अपनी माँ को उदास बैठा देख दोनों बच्चे सोचते हैं, यह तो हमारी माँ थी, और वह अपनी माँ के गले लग जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिट्ठू तोते के घर जाती है और उनको धन्यवाद देती है। मिट्ठू तोता की पत्नी कहती है, लाडो तुम्हें भी हमारे साथ ही रहना होगा, क्योंकि अब हम इन बच्चों के बिना नहीं रह सकते। हमने इन बच्चों को अपना बच्चा माना है और अब खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं। लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद कुकू की शादी होने वाली थी, जिससे घर में सभी लोग खुश थे। शादी वाले दिन कुकू को अपना मेकअप कराना था, इसलिए वह रानी कोवी के ब्यूटी पार्लर में जाती है। वहां पर जाकर रानी कोवी से कहती है, जल्दी से मेरा मेकअप कर दीजिए, आज मेरी शादी है, मैं पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। यह सुनकर रानी कोवी कहती है, जब यही करना रहता है
तुम लोग थोड़ा पहले आया करो। यह सुनकर कुकू चिड़िया चुप हो जाती है, पर समझ जाती है कि रानी कौवी को गुस्सा आ रहा है और वह कहती है, आंटी आप गुस्साइए मत, बस मेरा जल्दी से मेकअप कर दीजिए। गौरी कौवी कहती है, ठीक है आओ इस कुर्सी पर बैठ जाओ। और रानी कौवी मेकअप करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मेकअप पूरा हो जाता है और जब कुकू आंखें खोलती है तो देखती है कि हे भगवान यह कैसा मेकअप है, इससे अच्छी तो मैं बिना मेकअप के लग रही थी। ऐसा मेकअप बिल्कुल भी नहीं कराना था। यह सुनकर रानी कौवी बोली, अब जल्दी जल्दी कहोगी तो ऐसा ही ना मेकअप होगा, इसमें मेरी क्या गलती है, जो भी है बहुत अच्छा हुआ है, तुम मेरे पैसे दे दो और यहाँ से जाओ। यह सुनकर कुकू चिड़िया रोने लगती है और कहती है, यह आप क्या कह रही है, आज तो मेरी शादी है और आपको पैसों की पड़ी है, ऊपर से आपने मुझे चुड़ैल जैसा बना दिया है। यह सुनकर रानी कौवी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दे दो। उधर कुकू चिड़िया के ससुराल वाले कुकू का इंतजार कर रहे थे और लाडू से कहते हैं, बहन जल्दी कुकू को बुलाइए, समय निकला जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। यह सुनकर लाडो कहती है, नहीं नहीं बहन ऐसी बात नहीं है, मैं अभी उसकी मौसी को उसे लाने के लिए भेजती हूँ। और वह उसकी मौसी मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू जल्दी जाओ और देखो कुकू अभी तक आई नहीं, वह रानी कौवी के यहाँ मेकअप कराने गई है। मीनू रानी कौवी की दुकान जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। मीनू भी कहती है, यह कैसा मेकअप है, हम इसके एक रुपए भी नहीं देंगे, हमें अच्छा मेकअप चाहिए। और दोनों गौरी कौवी से झगड़ा करने लगती हैं। उधर लाडो चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी, वह सोचती है ऐसा क्या हो गया कि अभी तक मीनू भी नहीं आई, अब लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। और लाडो चिड़िया गौरी के ब्यूटी पार्लर में आ जाती है और कुकू को देखकर कहती है, छी 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 यह कैसा मेकअप है, मुझे अपनी बेटी का बहुत सुंदर मेकअप कराना था, हम ऐसे मेकअप के पैसे नहीं देंगे। यह कहकर लाडो चिड़िया तुरंत कुकू को लेकर घर आ जाती है और उसकी सास कुकू को देखती है तो कहती है, यह बिना मेकअप के क्यों है। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, बहन हमने इसका मेकअप कराने के लिए यही पास में गौरी कौवी के यहाँ भेजा था, लेकिन उसने मेरी बेटी की पूरी शक्ल बिगाड़ दी। यह सुनकर कुकू चिड़िया की सास बोली, आप चिंता ना करें, मुझे थोड़ा मेकअप आता है, मैं अभी कुकू को तैयार कर देती हूँ। और वह कुकू का मेकअप कर देती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।